अस्सलामु अलैकुम गाइस, मी मोहम्मद सुलेमान। आज की वीडियो का टॉपिक है कराची यूनिवर्सिटी इवनिंग ओरिएंटेशन 2022। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराची यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन की डेट बताऊंगा और आपको ओरिएंटेशन के बारे में गाइड करूंगा कि ओरिएंटेशन के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और आपकी क्लासेस जो है कब से स्टार्ट होने वाली हैं और आपको पॉइंट शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिएंटेशन में साथ लेके जाने हैं। तो वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज पूल, आपको इस पर एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो जो है मिल जाएगी। तो आप अपने टॉपिक को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन डे की। ओरिएंटेशन डे जो है 8 फरवरी, प्रोस्पेक्टस पे डेट जो है मेंशन है, लेकिन अभी तक कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। और आपको ये भी मालूम होगा कि स्ट्राइक जो है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है और टीचर्स जो है क्लासेस नहीं ले रहे और मॉर्निंग के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस जो है अभी तक नहीं हो रही। तो अगर स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रही तो हो सकता है कि आपकी जो ओरिएंटेशन है वो भी आगे जो है पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। आपकी ओरिएंटेशन से एक दिन पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाता है जैसा कि मॉर्निंग में आया था। तो आप अभी तक जो है 8 फरवरी के डेट को ही सामने रखें, ठीक है। बाकी ओरिएंटेशन में इवनिंग वालों के लिए वैसा नहीं होता, तो जिस तरह के मॉर्निंग के बच्चों का जो है पूल की पत्तियों से जो उनका इस्तकबाल किया गया था वैसे इवनिंग के बच्चों के लिए नहीं किया जाता, उनको डायरेक्ट जो है अपने डिपार्टमेंट में जाना होता है। तो अब बात करते हैं कि क्या टाइमिंग जो है आपको फॉलो करनी है इवनिंग की ओरिएंटेशन में। तो वो टाइमिंग जो है वो 2:30 से लेकर 3 बजे के दरमियान जो है आप लोगों को डिपार्टमेंट में पहुंचना होता है। डिपार्टमेंट में जाके क्या होगा तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपका सीनियर के साथ थोड़ा सा इंटरलिंक हो जाएगा और साथ में आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको डिपार्टमेंट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे और आपको आपकी फील्ड का स्कोप बताया जाएगा। हो सकता है कि आपको आपकी क्लास का स्केड्यूल जो है वो भी आपको दे दिया जाए, उसके साथ साथ जो है टाइम टेबल दे दिया जाएगा और यही कि आपको कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा टीचर जो है आपको कौन सा कोर्स पढ़ाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी जा रही होती है ओरिएंटेशन के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि हर डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट अलग होती है। कुछ डिपार्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ओरिएंटेशन में और कुछ डिपार्टमेंट में मज़ा नहीं भी आएगा, ठीक है। और बच्चों का सवाल यही होता है कि सर हम ओरिएंटेशन में जाएं या ना जाएं। देखिए मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी का पहला दिन है आपका, तो आप उसको लाजमी अटेंड करें, भले ही बोरियत का हो या आपके इन्जॉयमेंट का हो, आप उसको लाजमी अटेंड करें। और साथ में ये कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसकी एंड टाइमिंग क्या होगी, ओरिएंटेशन एंड किस टाइम होगी, तो वो यही सुनने में आया कि 6 बजे से पहले पहले जो है एंड हो जाती है। और जाना इतना लाजमी नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ लाजमी जाएं इसके अंदर और साथ में एक रजिस्टर और पेन भी साथ लाजमी रखें। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं ओरिएंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स देखें, आपका जो फी वाउचर होता है वो लाजमी होता है, आप उसको साथ लेके जाएं। और NIC अगर आपका बना हुआ है तो आप NIC को भी अपने साथ रखें, तो ये भी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज़रूरी ऑप्शन है। बाकी जो आप लोगों की क्लासेस हैं वो वही 9 फरवरी से जो है स्टार्ट होंगी। देखिए अगर आपकी ओरिएंटेशन 8 फरवरी को होती है तो उसका मतलब ये है कि आपकी क्लासेस भी जो है 9 फरवरी से हो जाएगी। अगर नहीं हुई, इन केस कोई ऐसा इशू होता है, तो वो नोटिफिकेशन जो है आपको कराची यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा अगर पॉइंट सर्विस की बात करूँ तो वो इवनिंग के अंदर सिर्फ आपके जब आप जा रहे होंगे यूनिवर्सिटी इवनिंग में तो वो चलते हैं, उस टाइम चलते हैं, वापसी में आपको नहीं मिलेगा पॉइंट, ठीक है। तो इवनिंग में ये होता है कि टाइमिंग 1 बजे होती है निकलने की पॉइंट की, वहाँ से यूनिवर्सिटी से मॉर्निंग के बच्चों को पहले वो छोड़ती है, उसके बाद जो है वो जाती है। आप लोगों का पहला दिन होगा, आप लोगों को नहीं पता होगा कि इस टाइम पॉइंट जो है आपके एरिया से गुजर रहा है, तो आप एक स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन जो है अपनी पब्लिक बस को यूज़ कर लें या फिर कोई और अपने फादर के साथ आना चाह रहे हैं या फिर आप खुद अपनी सर्विस पर आना चाह रहे हैं तो आप वो कर लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट की टाइमिंग जो है क्या है, आपके एरिया से जो है किस टाइम जो है पॉइंट सर्विस जो है गुजरती है। और रात की टाइमिंग का जो है आप लोग जब ऑफ होगा तो बच्चे जो है स्विल सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप बिल्कुल सुकून की जो है बुक करके आप जो है अपने घर वापस जा सकते हैं। तो ये हो गया, आपको गाइड कर दिया, ठीक है, मैंने आपके पॉइंट के हवाले से कि आपने किस तरह जो है यूनिवर्सिटी जाना है और किस तरह जो है वापस आना है। उसके बाद जो है आप लोगों को बुक्स किस तरह परचेज करनी है, ये सब आप उर्दू बाज़ार से परचेज कर सकते हैं और आप जो है इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप लोगों को अपने मेजर और माइनर कोर्सेज जो है सेलेक्ट करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह जो है कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर
में काफी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जो कि आपकी ओरिएंटेशन से जो है रिलेट कर रहे थे। अगर मेरा कोई भी टॉपिक जो है कोई ऐसी बात जो मैंने मिस कर दी हो अपनी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट ही बताया, मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी उनको भी पता चल सके ओरिएंटेशन के बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज पोर्ट।